भाई साहब यहाँ पर देखिएगा, समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या है बोल के। देखिएगा आप, यहाँ पर ब्रिक है, शायद ब्रिक कम पड़ने की वजह से ऐसा डाले। देखो सही है ना? ओके, बढ़िया चीज़। जब आपके पास ब्रिक ख़त्म होते और सीमेंट रेत कंकर भर भर को रहता, तो उस वक्त ना आप लोग ये वाला सॉल्यूशन जुगाड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इस रूम के अंदर एंटर होते हैं, आप लोगों को ऐसा दिखाई देगा। इससे क्या कुछ फ़ायदा है इसका? देखिएगा, ये आप जब डाल सकते हैं तब आपका कुछ तो एक रीज़न रहना चाहिए, ये डालने का वजह है, उसके लिए ये वाला RCC वर्क किया गया। रीज़न यही है दोस्तों। और आप सोच रहे होंगे ऐसा होने से कुछ तो होता क्या? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता दोस्तों, अच्छे से और ग्रिप पकड़ लेता जब प्लास्टिंग करते थे, उस वक्त और अच्छे से ग्रिप पकड़ लेता। बट सच्चाई ये है, यहाँ पर स्टेयरकेस है, उसके लिए ना उसको सपोर्टिंग के लिए वो वाला बीम डाले गए। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग। एंड हर एक जगह पे रॉड भी छोड़े गया, सो दैट फ्यूचर में आप लोग कुछ रेलिंग वर्क हो या फिर पर्दे का काम करें तब यूज़ हो जाएगा। अगर यूज़ नहीं हुआ है तो भी आप लोग उसको काट सकते हैं, ये रीज़न था। थैंक यू। यूट्यूब में ना आप लोगों का ऐसे आधा अधूरा वीडियोस मिलते हैं। अब यहाँ पर स्टेयर है, उसके लिए वो कैंटिलीवर बीम आया बोल के नहीं बोलते, वो किया बवाल कर दिया, मिस्त्री ने जुगाड़ कर दिया, बर्बाद कर दिया, ऐसा फालतू के वीडियो आपको देखने को मिलता। अब देखो, आप रूम के अंदर एंटर किए, देखेंगे अरे यार इधर RCC, आप सोचते होंगे ब्रिक्स कम पड़े तो ये करे होंगे। सच्चाई तो ये वाला है, ब्रिक यहाँ पर स्टेयर के सारा, उसके लिए वो पूरा कंटिन्यू किया, वो रीज़न था। ठीक है, ये कैसा एक न्यूज़ चैनल की तरह हो गया आजकल यूट्यूब व्यूज़ पर के लिए। सच्चाई को छुपा देते हैं और झूठ को दिखाते हैं। सच्चाई ये है यहाँ पर सीढ़ी है, झूठ ये है कि यहाँ पर ज़रूरत नहीं था, ईंट कम पड़े थे इसलिए पूरा RCC का ही डाल दिया, कंक्रीट वॉल ही उठा दिया। ये आधा अधूरा वीडियोज़।